व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं चंद्रयान सेकंड मिशन के बारे में स्टार्टिंग में। हालांकि इसके ऊपर कोई एडिटोरियल नहीं है, पर आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। फिर इसके बाद में हम लोग आगे अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे, जो कि नॉर्मल एडिटोरियल वगैरह हम लोग देखते हैं। देखिए हुआ क्या है, हमारी कंट्री के द्वारा चंद्रयान सेकंड प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। तो ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था चांद के साउथ पोल पर पहुंचने के लिए, यानी कि मून के साउथ पोल पर पहुंचने के लिए। तो साउथ पोल पर अब तक कोई भी कंट्री यहां पर मून के नहीं पहुंची थी, तो हमारी कंट्री का यहां पर ये प्रोजेक्ट था। पर लेकिन एट द एंड मोमेंट जाकर यहां पर जब ये लगा कि कुछ मिनट पहले ही, मिनट क्या कुछ सेकंड पहले ही बोलूंगा मैं, यहां पर ये लैंड करने वाला था, और जो प्रॉपर लैंडिंग होने वाली थी ये सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली थी। सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है, आराम से जाकर टिक जाना चांद की सतह पर। तो ये सॉफ्ट लैंडिंग करने वाली हमारी कंट्री पहली कंट्री बनने वाली थी साउथ पोल पर, जो कि हम लास्ट मोमेंट पर आकर कनेक्शन खो बैठे। हम लोग इसको ये नहीं बोलेंगे हम लोग सक्सेस नहीं हो पाए, हम लोग इसको हो सकता है कि आने वाले टाइम में फिर से कनेक्शन मिल जाए। रात को लगभग 2 से 2:30 बजे तक इसको देखते रहे, सब बैठे हुए थे वहां पर, पूरा चल रहा था, लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। जो पूरा प्रोग्राम जब मैं देख रहा था, मतलब सब खुश थे काफी, पर लेकिन उस टाइम पे धड़कने रुक गई जब एंड मोमेंट पर जाकर एकदम कनेक्शन टूट गया। तो ये काफी एक हिस्टोरिक मोमेंट आप लोग बोल सकते हैं। हम लोग इसको ये नहीं बोलेंगे हम लोग सक्सेस नहीं हुए। देखिए एक तरीके से अभी कनेक्शन लॉस्ट हुआ है, तो हो सकता है फ्यूचर में कनेक्शन मिल जाए, पर लेकिन यहां तक पहुंच गए, इस लेवल तक पहुंच गए। नॉर्मली जो लोग होते हैं इस कक्षा में ही एंटर नहीं कर पाए अब तक, तो आप लोग समझ रहे हैं। तो काफी बड़ा एक अचीवमेंट आप लोग इसको बोल सकते हैं अपनी कंट्री का, जो हमारी कंट्री की इसरो के द्वारा ये अभी अचीवमेंट किया गया है। अभी हो सकता है कि आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है। जब इसरो के चेयरमैन के सिवन का इंटरव्यू सुन रहा था मैं, तो उनके द्वारा यह बोला गया कि अभी फिलहाल हम लोग सक्सेस हो पाए, पर लेकिन अभी कनेक्शन टूट गया है। तो देखते हैं, एक्सपेक्टेशन ये है कि जल्दी ही हम लोगों को कनेक्शन इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। आप ये ऑर्बिटर है जो कि यहां पर घूमने वाला है ऑर्बिट में, यानी कि इसकी सतह के चारों ओर। ये जो लैंडर है, लैंडर का नाम है विक्रम। जब ये लैंडर लैंड करता है यहां पर, जो कि एकदम कनेक्शन टूट गया, हम लोग इसको देख नहीं पाए। लैंड करने के बाद में इसके अंदर से ये रोवर निकलेगा जिसका नाम था प्रज्ञान। तो ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं, लैंड किया यहां पर और फिर प्रज्ञान रोवर बाहर निकल कर आएगा, और ये रोवर यहां पर चांद की सतह पर घूमेगा। पर लेकिन एट द एंड मोमेंट आकर यहां पर यह कनेक्शन कट हो गया, जिसकी वजह से इसके बारे में हम लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। तो आगे देखते ये कनेक्शन कब तक एस्टेब्लिश होता है, तो दुआ करो कि एस्टेब्लिश हो जाए, क्योंकि काफी एक हिस्टोरिक मूवमेंट आप लोग ये बोल सकते हैं, जो कि हमारी कंट्री की इसरो टीम के द्वारा ये एक आप लोगों के सामने मूवमेंट था। इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए कि चांद की सतह पर, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, चांद की सतह पर क्रेटर है, एक तरीके से गड्ढे आप लोग बोल सकते हैं, तो उनके बीच में इसको उतारने की बात की जा रही थी। ठीक है, ये यहां पर मेजिनस सी और इसी के साथ में यहां पर सिंपलेस एन, तो ये नाम याद रखिएगा। जब मैंने आप लोगों को चंद्रयान वाली वीडियो बनाई थी उस टाइम पर भी मैंने आप लोगों को बताए थे। तो इसमें यहां पर हमारा जो यहां पर विक्रम जो लैंडर और इसमें से जो प्रज्ञान रोवर, वो यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में प्लान था यहां पर ये उतरने का, पर लेकिन अभी हम लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। तो देखते हैं आगे कंडीशन क्या बन पाती है। यहां पर मेरी कुछ कंडीशन ऐसी हो गई, जैसे एक बार मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने बैठ गया, तो स्टार्टिंग में पढ़ता रहा सही चल रहा था, पर लेकिन जब एंड में पहुंच गया, लगभग 17-18 घंटे तक जब लगातार मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ता रहा, एक पागलपन सा आया। तो उस टाइम पर लास्ट में मुझे ये लगा कि आज तो जो है देश को आजाद करके ही सोना है। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही मोमेंट मेरे साथ में रात हो गया। एक बार तो सो रहा था कि सो जाओ, सुबह न्यूज़पेपर भी लेके आना है, बाद में देख लेना, सुबह देख लेना, भी जो भी करना है बाद में कर लेना, पर लेकिन मैंने कहा आज तो लैंड करा के ही सोऊंगा इसको। पर लेकिन क्या करें, चलिए थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट बोल सकते हैं, पूरा नहीं, पर लेकिन फिर भी बहुत लकी है कि हम लोग यहां तक पहुंच पाए। ठीक है, तो पॉजिटिव साइड से इसको देखना आप लोगों, हो सकता है अगर आगे कनेक्शन मिल जाए तो बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग इस प्रोजेक्ट को आगे चला पाएंगे। ठीक है, तो ये इसके बारे में आप लोग इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं। बाकी जो कल वीडियो है आप लोगों की, देखिए कई बार क्या होता है, नॉर्मली जो वीडियो मुझे अपलोड करने में टाइम लगता है वो लगता है 5 से 7 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट, पर लेकिन कल जब मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करी तो यहां पर दिख रहा था 49 मिनट। ठीक है, फिर जब मैंने थोड़ा देर वेट करके देखा, मैंने कहा चलेगा, तो ये 1 घंटा 11 मिनट हो गया, और ऐसे बढ़ गए, फिर ये लगभग 1.5 घंटा हो गया। तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम थी कल अपलोड करने में, तो जिसकी वजह से आप लोगों की वीडियो लेट हो गई, और आज की वजह जो वीडियो लेट है थोड़ी सी ये मेरी हरकतें हैं, क्योंकि रात जो है मुझे काफी लेट हो गया, उसके बाद में 1 घंटे के 1.5 घंटे करीब सोया हूं, उसके बाद में उठकर आप लोगों के सामने न्यूज पेपर लेके आ रहा हूं। ठीक है, तो इसके लिए सॉरी, पर लेकिन देखिए मन था कि इसको उतरता हुआ देखूं, बस उसी के चलते पूरा चक्कर जग गया।
चलिए जो भी है ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी चंद्रयान के बारे में जो कि आप लोगों को बताना चाहिए। ओके तो आइए आज आप लोगों का जो यहां पर मैप बेस्ड क्वेश्चन ही है उज्बेकिस्तान जाकर मैप में नहीं हारेगा, कल फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के न्यूज़पेपर में, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर इस लेक्चर की पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो फेसबुक से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम से, दोनों लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो एक एक कर देखते हैं कौन से आर्टिकल में क्या क्या बातें की जा रही है और फिर शानदार तरीके से डिस्कशन आज का स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट आर्टिकल है यहां पर बात कर रहा है इंडिया और रशिया के रिलेशन के बारे में। अभी हमारी कंट्री के द्वारा 1 बिलियन का यहां पर इनको जो क्रेडिट देने की बात की गई, तो उसी के बारे में आर्टिकल है। और जो इस आर्टिकल में कुछ बातें नहीं दे रखी हैं आगे न्यूज एनालिसिस में, वो भी मैं यहीं पर ही आप लोगों को बताऊंगा कि अपोजिशन इसका क्यों क्रिटिसिज्म कर रही है और क्या क्या बातें हैं। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट आप लोगों को देखने को मिलने वाला है और एक क्वेश्चन भी आप लोगों के यहां से निकल कर आएगा, इंडिया रशिया को कैसे देखता है, और थोड़ा सा हिस्टोरिकल चीजें बताऊंगा, यानी कि पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा इनडायरेक्ट वे में, ये बोलना चाह रहा हूं। आज के डेट में चाइना और यूएसए की इकोनॉमी किस कगार पर पहुंच रही है और इसकी वजह से आने वाले टाइम में 2020 में रिसेशन आने के काफी बड़े चांसेस हैं, तो देखते हैं कैसे सिचुएशन संभलेगी यहां पर। ये प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर को कैसे हम लोग सुधार पाते हैं। हांगकांग में प्रोटेस्ट चल रहा है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों से प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, इसके ऊपर नजर डालेंगे। ये फिर से आप लोगों के सामने इकोनॉमिक जो स्लोडाउन चल रहा है, खासकर पर्टिकुलर सेक्टर की बात की जा रही है, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में हम लोगों ने कल भी एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें बात यह की जा रही थी कि यहां पर बोला जा रहा है 18% का जो जीएसटी लगता है उसको घटाकर इसको 12% की कैटेगरी में ला दो। पर लेकिन कई बार यहां पर यह बोला जा रहा है जैसे भारत स्टेज हमारी कंट्री में 6 इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है 5 को रिप्लेस करके, तो इसके चलते यहां पर जो नया स्टैंडर्ड निकल कर आएगा बात यह आ रही है कि कैसे हम लोग उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारा स्टॉक आज के में जो पुराना पड़ा हुआ है हमारे पास में वो हम लोगों ने निकाला नहीं है और आगे हम लोग कैसे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसी के चलते काफी ज्यादा नुकसान है। एक तरीके से आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेशन ये लगाई जा रही है कि जैसे ही फेस्टिवल सीजन आता है तो हो सकता है इस पर्टिकुलर रीजन में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये वही आर्टिकल सारी चीजें रिपीट हो रही है जो अब तक हम लोग सारी चीजें डिस्कस कर रहे थे। ओके तो आइए आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और हां देखिए जो ये एडिटोरियल होता है ना, ये पूरे न्यूज़पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, सबसे ज्यादा फोकस आप लोगों का इसी के ऊपर होना चाहिए, इसी में से आप लोगों के मेंस के क्वेश्चन आते हैं, इसी में से आप लोगों के प्रीलिम्स के क्वेश्चन आते हैं। वो कैसे बनते हैं मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल होता है वो एक शानदार पर्सनालिटी के द्वारा पूरा एनालिसिस किया जाता है, बहुत ही हाई फाई क्वालिफाइड पर्सनालिटी सारी होती है, तो एडिटोरियल नहीं छोड़ना है। भले ही न्यूज़पेपर में आप लोग एक बार को न्यूज़पेपर न पढ़े, पर लेकिन एडिटोरियल आप लोगों को जरूर पढ़ना है। ठीक है तो आइए इसके ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहले यहां पर आप लोगों के सामने क्वेश्चन ये बात की जा रही है, इंडिया पुश कर रहा है एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी के लिए। ठीक है तो इसकी वजह से इंडिया और रशिया के जो रिलेशन है वो ट्रेडिशनली अलाई है, रशिया हमारा यानी कि हमारा काफी पुराना दोस्त है, तो उसके साथ में रिलेशन हमारे अच्छे होने वाले हैं, तो इसको आप लोग एक्सप्लेन करना है। अब एक्सप्लेन कैसे करना है वो सारी जो भी आप लोग यहां पर मेटेरियल इसके अंदर डालना है वो मैक्सिमम मैं आप लोग यहां पर बता के चलूंगा, कुछ आप लोग अपनी नॉलेज यूज कीजिएगा जो आज तक आप लोगों ने सुना है, वरना काफी कुछ मैं आप लोगों को बताकर यहां पर चलने वाला हूं। अभी हुआ क्या है पहले उसके बारे में जान लीजिए, फिर आप लोग ये समझिएगा कि यहां पर बोला क्या जा रहा है। ठीक है तो यहां पर ये बोला जा रहा है बेसिकली अभी यहां पर हुआ क्या है, पहले हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यहां पर रशिया पहुंचे, तो रशिया में पहुंचे किस में, ये थी यहां पर ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो कि यहां पर व्लादिवोस्तोक रीजन में देखने को मिली, और ये रशिया का फार ईस्ट वाला रीजन है। फार ईस्ट वाला रीजन मतलब पहले आप लोग इसको मैप में देखिए, आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये हो गई हमारी कंट्री, ये हमारा प्यारा भारत हो गया, यहां से अगर जाएंगे ये रशिया की कैपिटल हो गई मॉस्को। ठीक है और यहां से आप लोगों को देखने को मिलेगा जो पर्टिकुलर रीजन है जहां पर ये समिट हुई, ये है ये वाला रीजन। इस वाले रीजन को डेवलप करने की बात की जा रही है। रशिया बेसिकली अपने आप को एक यूरोपियन कंट्री बोलता है, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है रशिया की वो यूरोप के अंदर रहती है, आधा पोर्शन रशिया का यूरोप के अंदर है, आधा और मैक्सिमम पोर्शन अगर लैंड वाइज देखें तो एशिया के अंदर है और जनता रहती है यूरोप के अंदर, तो इसलिए यहां पर कई बार बातें बोली जाती हैं। तो अभी यहां पर जिसका ये वाला रीजन है बेसिकली इसको डेवलप करने की बात की जा रही है, तो इसके लिए यहां पर समिट हुई। ये एक्जैक्टली आप लोग यहां पर देखते हैं, ये वाला मैप और ज्यादा क्लियर आ रहा है, यहां पर जापान हो गया, नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगा ये वाला रीजन नॉर्थ कोरिया को भी टच करता है। ठीक है तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, यहां पर ये हो गया चाइना, इधर जाएंगे तो ये हो गया मंगोलिया, और ये हो गया सी ऑफ जापान, और नीचे ईस्ट चाइना सी जो कि कई बार यहां पर कॉन्फ्लिक्ट का रीजन भी रहता है, तो ये मैप आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए। ओके तो आइए अब इसके बारे में जानते हैं। हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब यहां पर पहुंचे, तो यहां पर जाने के बाद में हमारी कंट्री के द्वारा इस पर्टिकुलर एरिया में डेवलपमेंट की बात की गई। डेवलपमेंट इन द सेंस हमारा भी फायदा होगा उस डेवलपमेंट से। हमारा फायदा क्या होगा, हम लोग वहां पर जाकर 1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहे हैं, इससे इस पर्टिकुलर रीजन में जो डेवलपमेंट होगा तो हमारी कंट्री में काफी फायदा होगा, उसके बारे में आगे बात करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए अब तक आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में लुक ईस्ट पॉलिसी थी। लुक ईस्ट का मतलब क्या है, अगर आप लोग लुक ईस्ट करेंगे
तो यहां पर आप लोग समझ सकते हैं, ये बीच में हमारी कंट्री आप लोगों को देखने को मिल रही है यहां पर। तो यहां से अगर हम लोग इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में बोले, डेवलपमेंट करें, अगर मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो आप लोग बोलते हैं, अब आप लोग बोल सकते हैं आसियान वाला रीजन। तो आसियान वाले रीजन को हम लोग को लुक ईस्ट पॉलिसी के हिसाब से हम लोगों ने देखा। रीजन क्या था? रीजन ये था, देखिए वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ में अच्छे अच्छे हमारे रिलेशन थे, पर लेकिन जब बात करते हैं यहां पर हम लोग इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में, यानी कि आसियान वाले रीजन के बारे में, तो उस टाइम पर कंडीशन ये निकल के आया कि ये रीजन काफी अच्छे से डेवलप हो रहा था, काफी अच्छे से बढ़ रहा था। तो हम लोगों ने बोला कि ये वेस्टर्न रीजन की साइड में आप लोग समझ सकते हैं कि काफी अच्छे हमारे रिलेशन ऑलरेडी रह चुके हैं, क्योंकि यहां से हमारी एनर्जी काफी है, हम लोग काफी एनर्जी यहां से लेकर आते हैं, ऑयल वगैरह। इसी के साथ में यूरोप के साथ में ठीक ठाक रिलेशन है। वेस्टर्न वर्ल्ड में बात करें आप लोग यूएसए के साथ में अच्छे रिलेशन बोल सकते हैं, अफ्रीका के साथ में भी हमारे ठीक ठीक रिलेशन है, काफी सारा डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट यहां पर चलता है, पर लेकिन यहां पर इस पर्टिकुलर रीजन में हमारा कोई ज्यादा डेवलपमेंट का काम था नहीं। तो हम लोगों ने लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम दिया, और जो ये लुक ईस्ट पॉलिसी थी हमारी कंट्री की, ये आगे चलकर आप लोगों को देखने को मिला, ये आगे चलकर लुक ईस्ट पॉलिसी ये क्या बन गई, हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी बन गई। यानी कि जैसे ही मोदी जी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने बोला बहुत ज्यादा देख लिया, अब थोड़ा काम कर लेते हैं, तो एक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो इसको हम लोगों ने फिर क्या बोला, इसको हम लोगों ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी बोलना स्टार्ट कर दिया। पर लेकिन अब जो बात की जा रही है, अब यहां से आप लोग देखिए ये ईस्टर्न वाला रीजन हो गया था, अब हम लोग जा रहे हैं इस वाले रीजन में, ठीक है। तो इसीलिए इसको फार एक्ट ईस्ट पॉलिसी बोला जा रहा है, यानी कि उस पर्टिकुलर रीजन में जाकर हम लोगों को काम करना है, डेवलपमेंट का काम करना है। तो वहां पर हम लोग डेवलपमेंट का काम करेंगे, तो वहां से हम लोग को क्या फायदा होने वाला है, देखिए आज की डेट में अगर हम लोग बात करें ना एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग ये वाला चार्टर देखिए, ठीक है। ये वाला जो यहां पर चार्ट है आप लोगों को नजर आएगा यहां पर कि लार्जेस्ट क्रूड ऑयल हम लोग किस कंट्री से हम लोग खरीदते हैं। तो यहां पर इराक हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हो गया, वेनेजुएला हो गया, नाइजीरिया और यूएई। ये जो डेटा है 2013-14, 14-15, 15-16, 16-17 और 17-18 है। तो ये पर्टिकुलर पांच ईयर का आप लोगों के सामने डेटा दे रखा है। अगर लेटेस्ट जो यहां पर 17-18 का है उसके हिसाब से बात करते हैं, हालांकि ये भी चेंज हो चुका है जब से यहां पर ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा रखे हैं, पर लेकिन एक मोटा सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर रीजन है जहां से हम लोग अपना क्रूड ऑयल खरीदते हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर इराक, फिर सऊदी अरेबिया। ईरान की कंडीशन अभी पता नहीं एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि सैंक्शन लगाने के बाद में कम हो रही है चीजें, वो एक अलग बात है। अगर रीजन वाइज आप लोग बात करते हैं तो आप लोग मिडिल ईस्ट देखने को मिलेगा, अफ्रीका वाला रीजन देखने को मिलेगा, इसी के साथ में साउथ अमेरिका वाला रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि यहां से भी खासकर वेनेजुएला जैसी कंट्री से हम लोग काफी अपना इंपोर्ट करते हैं। तो ये हो गया जो हम लोग इंपोर्ट आज के डेट में कर रहे हैं। पर लेकिन आज की डेट में अगर मान लीजिए सबसे ज्यादा इंपोर्ट हमारा आप लोगों को देखने को मिल रहा है, वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है इराक, सऊदी अरेबिया और ईरान। और ये एक ऐसा रीजन है जो कि सबसे ज्यादा घमासान वाला रीजन है, यहां पर अच्छी चीजें रहती नहीं है, कई बार यहां पर लड़ाई होती रहती है, बहुत ही अनस्टेबल रीजन है। तो इस तरीके से जो हम लोग क्रूड ऑयल वगैरह, गैस वगैरह जो यहां से लेकर आ रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ये जो कंडीशन है हम लोग यहां पर इनके ऊपर से डिपेंडेंसी हटा के हम लोग को यहां पर इस पर्टिकुलर रीजन में काम मिलना स्टार्ट हो जाए। तो हम लोग यहां से अगर अपनी एनर्जी सिक्योरिटी कर पाते हैं तो इनके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास में एक अल्टरनेटिव रीजन हो जाएगा अपना काम करने के लिए। तो इससे फायदा क्या रहने वाला है, इससे फायदा ये रहने वाला है कि हम लोग ढंग से काम कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग देखेगा, यानी कि अपनी कंट्री की जो खासकर एनर्जी सिक्योरिटी है वो हम लोग बढ़ा पाएंगे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आज के डेट में आप लोगों को पता है कि चाइना काफी लार्ज स्केल पर उभर कर बाहर कंट्री आ रहा है और एशिया में अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम लोग रशिया को सपोर्ट करते हैं एशिया में डेवलपमेंट के लिए और रशिया का यहां पर दबदबा बनता है, तो कहीं ना कहीं चाइना को हम लोग कंटेन कर पाएंगे, चाइना को टैकल कर पाएंगे। और रशिया हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, यूएसए के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि यूएसए एक ऐसी कंट्री आज के डेट में जो कि पल में मासा पल में तोला, उन्हें की रंग बदलता है, तो उस तरीके से है जब से डोनाल्ड ट्रंप सर है यहां पर। तो कंडीशन ऐसी बनी हुई है यहां पर कि आज की डेट में सबसे जो रिलायबल फ्रेंड है हमारा वो है रशिया, और ऑल वेदर फ्रेंड है, क्योंकि 1971 की वॉर के टाइम पर भी जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी और नया कंट्री बांग्लादेश बनाया गया था जिसको पहले ईस्ट पाकिस्तान आप लोग बोलते थे, तो उस टाइम पर सबसे बड़ा साथ हमारा रशिया ने दिया। रशिया के साथ में हमारी फ्रेंडशिप ट्रीटी थी जो कि काफी ज्यादा काम आई, और रशिया के साथ में आज तक के अगर रिलेशन देखेंगे तो ऑल ओवर अगर एवरेज आप लोग निकालेंगे तो एक काफी बेस्ट रिलेशन आप लोग रशिया के साथ में हमारे बोल सकते हैं। रशिया हमारा काफी बड़ा डिफेंस सप्लायर भी है आज की डेट में, रशिया से हमारे यहां पर काफी ज्यादा डिफेंस, जैसे आप लोग देखते हैं कुंदाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु के अंदर में। तो ये रशिया और इंडिया के रिलेशन के टाइम पर आप लोग ये सारे पॉइंट यूज कर सकते हैं कि हाँ 1971 की वॉर के ड्यूरेशन में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में किया जा रहा है, डिफेंस प्रोक्योरमेंट काफी लार्ज हम लोग करते हैं रशिया के साथ में, और रशिया हमेशा हमारा सपोर्ट करता हुआ नजर आता है। कि रशिया और चाइना मिलकर काम कर रहे हैं, पर लेकिन जब कश्मीर के मुद्दे पर बात की गई यहां पर कि हम लोगों को जाना था यूएन के अंदर में, तो उस टाइम पर रशिया ने अपोज कर दिया, यानी कि चाइना के साथ में नहीं था रशिया। चाइना के साथ में रशिया के जो रिलेशन है वो ऐसे हैं कि हां सही है, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग है जैसे भी है कि हम लोग मिलकर काम करेंगे, पर ऐसा नहीं है कि हम लोग एक दूसरे के साथ में हर टाइम खड़े रहेंगे, तो हम लोग एक दूसरे से दूर भी हट सकते हैं अगर हमारे इंटरेस्ट सर्व नहीं हो पा रहे हैं। तो रशिया हमारे लिए काफी एक अच्छी कंट्री बोल सकते हैं जो कि हर टाइम हमारे फायदे में काफी ज्यादा लार्ज स्केल पर आप लोगों को नजर आता है। तो इसके चलते जो बात की जा रही है,
ये बात की जा रही है कि जो कि यहां पर आज के डेट में हम लोगों ने लाइन ऑफ क्रेडिट यानी कि एलओसी जो यहां पर दिया है, ये हेल्प करने वाला है फाइनेंस करने के लिए किस पर्टिकुलर रीजन में, ये एक्ट फार ईस्ट वाले रीजन में। तो इसके चलते हमारे बायलेटरल रिलेशन जो है रशिया के साथ में वो भी अच्छे होंगे, और इसी के चलते यहां पर जो इंक्रीज किया जा रहा है ये, इससे जो क्या किया जाएगा, बेसिकली हमारी कंट्री जो यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रही है जाकर, वो अप्रोक्सीमेट 10 बिलियन इन टर्म्स बायलेटरल ट्रेड आप लोगों को देखने को मिल रहा है अगर आगे चलकर काम करेंगे डिफेंस के फील्ड में। बाकी अगर बात की जाए ये अगर डिफेंस का आप लोग लेकर चलते हैं उसके कंपेयर में आज भी बहुत कम है। रशिया से जो डिफेंस डील है वो अब तक का अगर आप लोग देखते हैं पास्ट ईयर्स में तो आप लोगों को नजर आएगा यहां पर लगभग 14.5 बिलियन, तो फिर भी यहां पर ये ज्यादा नहीं है अगर उसके साथ में आप लोग कंपेयर करते हैं। इन्वेस्टमेंट यहां पर काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलने वाला है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट यहां पर किया जा रहा है इसके चलते लगभग 50 एग्रीमेंट निकलकर आ रहे हैं जो कि काफी लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री के आगे आने वाले टाइम में हम लोग एलएनजी की सप्लाई देखने को मिलेगी, और इसी के साथ में जो वोल्दोस्तोक रीजन है इसके साथ में चेन्नई की कनेक्टिविटी बनाई जाएगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीलिम्स में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मैरीटाइम रूट किस एरिया के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है हमारी कंट्री का, ठीक है। तो ये जो यहां पर ये पर्टिकुलर रीजन है इससे हमारी कंट्री में चेन्नई के साथ में यहां पर रिलेशन करने की बात की जा रही है ताकि सप्लाई यहां पर चेन्नई पोर्ट पर आसानी से की जा सके। तो ये इसको पर्टिकुलर एरिया को डेवलप करने की बात की जा रही है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसी के साथ में 5 साल का रोडमैप तैयार किया गया कोऑपरेट करने के लिए, फॉरेस्ट में डेवलपमेंट करने के लिए। और जो आर्टिक रीजन है, आर्टिक रीजन की अगर बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर रीजन आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, जैसे ये ऊपर वाला रीजन हो गया यहां पर, ठीक है। दूसरा मैप देखिए आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, आप लोग वहां पर इसको ये देख सकते हैं, ये यहां पर पर्टिकुलर ये देखिए यहां पर, ठीक है। तो ये है यहां पर बेसिकली आर्टिक वाला रीजन, ये आप लोग ऊपर देखिए, तो ये वाला पर्टिकुलर रीजन में जब यहां पर डेवलपमेंट होगा तो आज की डेट में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये आर्टिक वाला जो रीजन है यहां पर, ये यहां पर पिघल रहा है बेसिकली, जो यहां पर जो पानी है वो नीचे आ रहा है निकलकर यहां से, ग्लेशियर जो पिघल रहे हैं, तो इसकी वजह से यहां पर संभावनाएं लगाई जा रही है काफी कुछ रिसोर्सेज यहां पर आने वाले टाइम पर मिलने वाले हैं। तो रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए यहां पर बेसिकली ये काम किया जा रहा है, तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अगर हम अभी यहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो नहीं कहते हैं कि जो एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट मूवर होता है, एक तरीके से फास्ट मूवर होता है, तो चाइना फर्स्ट मूवर हो चुके हैं, हम फास्ट मूवर बनने की कोशिश कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया में काम करने के लिए। तो जो बायलेटरल यहां पर जो बायलेटरल एस्पेक्ट्स है हमारी कंट्री के रशिया के साथ में फॉरेस्ट के लिए, तो ये आने वाले टाइम में एक स्ट्रेटजिक इंप्लीकेशन भी है। वो स्ट्रेटजिक इंप्लीकेशन यहां पर ये है, इस पर्टिकुलर रीजन में अगर आप लोग बात करते हैं, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये एक्सेसिबल हो रहा है, रीजन पहले एक्सेसिबल नहीं था, और आज के डेट में एनर्जी रिसोर्सेज का काफी भंडार यहां पर माना जा रहा है, तो एक पर्टिकुलर हमारा पांव वहां पर जम जाएगा, तो ऐसे भी हमको आने वाले टाइम में फायदा होता हुआ नजर आएगा। बाकी अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें रशिया के जिस तरीके से देखते हैं, तो रशिया अपने आप को अगर पहले से देखा जाए काफी लार्ज स्केल पर यहां पर यूरोपियन पावर के तौर पर देखते हैं, पर लेकिन आज के डेट में इनके यूरोप के साथ में रिलेशन अच्छे नहीं है, G7 से ये बाहर निकल चुके हैं अभी। आज की डेट में अगर देखें तो चाइना के ज्यादा फेवर में आ रहे हैं, पर लेकिन अगर इंडिया यहां पर रशिया के साथ में मिलकर काम करता है तो कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक रीजन में भी एक अच्छा कोऑपरेशन देखने को मिलेगा, और इसी के साथ में जापान को भी हम लोग अगर साथ में लेकर आते हैं रशिया के साथ में, रशिया के और जापान के ज्यादा अच्छे रिलेशन रहते नहीं, हालांकि आज की डेट में ये भी थोड़े ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं रिलेशन, तो ये मिलकर हम लोग तीनों मिलकर काम कर सकते हैं। जो चाइना का जो दबदबा है यहां पर, तो उस तरीके से हम लोग कहीं ना कहीं उसको यहां पर टैकल कर सकते हैं, क्योंकि एशिया में चाइना मानता है कि आज के दिन मेरी टक्कर का कोई है नहीं, मैं ही यहां पर रहूंगा, बस मैं ही सारा काम करूंगा यहां पर। अगर इस पर्टिकुलर रीजन में जहां इंडिया 1 बिलियन इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 71% लगभग जो टोटल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है यहां पर वो चाइना से निकल कर आ रहा है, जो लगभग आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो टोटल 33 बिलियन का देखने को मिल रहा है, तो अगर हम भी यहां पर कुछ कर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा भी कुछ हो जाएगा कि हां हम भी यहां पर एक तरीके से पैर जमा पा रहे हैं। तो जो एक्ट फॉरेस्ट है यहां पर दोनों तरीके से इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसी के साथ में ट्रेडिशनल पार्टनर है हमारा रशिया, और इसी के साथ में हम लोग अपना जो एक मल्टी ऑर्डर वर्ल्ड हम लोग देखते हैं, मल्टी अलाइनमेंट हम लोग देखते हैं। देखिए होता क्या है, कोल्ड वॉर हुआ, कोल्ड वॉर होने के बाद में दो पर्टिकुलर पावर बनी, एक था यूएसए और दूसरा था रशिया, ठीक है। तो यूएसए और रशिया यहां पर पावर चल रही थी, पर लेकिन जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो यूनिलेटरल वर्ल्ड नजर आने लगा कि दिखने लगा कि यूएसए है बस सबसे बड़ा आदमी यहां पर, तो उस टाइम पर कंडीशन ये बनी कि इसको चेंज कैसे करना है। तो इंडिया नॉन अलाइंग मूवमेंट में लग रहा, यानी कि किसी के साथ मिलकर अकेले के साथ में चलता, इंडिया हमेशा एक मल्टीलेटरल वर्ल्ड चाहता है, यानी कि मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए यहां पर, कोई एक पैसा नहीं एक पर्टिकुलर कंट्री के हाथ में पावर है, तो उसके चलते यहां पर काफी अच्छी आप लोग ये बात बोल सकते हैं कि काफी फायदा यहां पर देखने को मिल कि इंडिया इस तरीके से एशिया में भी मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाना चाह रहा है, मल्टीपोलर लोग यहां पर रहे, यानी कि जापान भी रहे, साउथ कोरिया भी रहे, इंडिया भी रहे, चाइना भी रहे, रशिया भी रहे, यानी कि बस चाइना का दबदबा चल रहा है और जो बोले चाइना बस वही हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना यहां पर। बाकी ये तो था आर्टिकल, अब यहां पर बात जानते हैं, और हां
ये जो है ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है, इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। आगे अगर बात करें तो आप लोग इसके बारे में जानिए, अपोजिशन क्वेश्चन आ रही है जो रशिया को ऐड दिया गया। रीजन क्या है कि जो लाइन ऑफ क्रेडिट रशिया को दिया गया है वो एक ऐसी कंट्री को दिया गया है जो कि काफी बड़ी कंट्री है, P5+1 का मेंबर है ग्लोबल कम्युनिटी में। अगर देखेंगे एक काफी डेवलप कंट्री में रशिया आता है, पर कैपिटल जो GDP है रशिया की हमारी कंट्री से 5 गुना ज्यादा है। तो एक ऐसी कंट्री को यहाँ पर जो लाइन ऑफ क्रेडिट दिया जा रहा है, क्या ये सही है यहाँ पर लाइन ऑफ क्रेडिट देना? अगर देखें इंडिया, अगर देखें आज के डेट में 2005 से लेकर 2019 तक लगभग 63 कंट्री को लाइन ऑफ क्रेडिट हम लोग दे चुके हैं, जिसमें 26.79 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट यहां पर दिए जा चुके हैं। तो टोटल मिलाकर इतना लाइन ऑफ क्रेडिट दिया जा चुका है, टोटल मिलाकर 274 लाइन ऑफ क्रेडिट दे चुके हैं। और जो काउंट करेंगे इसे आप लोग इसका कि कितना यहां पर ये क्वांटिटी है इसकी, तो 26.79 बिलियन हम लोग अब तक 63 कंट्री को लाइन ऑफ क्रेडिट दे चुके हैं। तो यहां पर अभी यही बात बताई जा रही है कि क्या ऐसे कंट्री को लाइन ऑफ क्रेडिट देना यहां पर जरूरी था इस तरह की कंट्री को, तो इसके ऊपर यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है। तो अलग अलग भी अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है इस तरीके से कि सबसे ज्यादा लाइन ऑफ क्रेडिट हम लोगों ने कहां पर दिया है, तो ये सबसे ज्यादा जो है ये अफ्रीकन कंट्री के लिए, ठीक है, फिर एशियन कंट्री के लिए आप लोगों को देखने को मिल रहा है, फिर इसी के साथ में जो कॉमनवेल्थ फॉर इंडिपेंडेंट स्टेट है वहां पर देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ सबसे ज्यादा लाइन ऑफ क्रेडिट हम लोग कहां पर दे रहे हैं, तो एक अच्छा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां पर बन सकता है। बाकी अगर बात करें इस लाइन ऑफ क्रेडिट का यूज कहां पर किया जाएगा, तो उसके बारे में बात की जा रही है। यूज की बात की जा रही है कि रशिया के फॉरेस्ट रीजन में इसको यूज किया जाएगा वहां पर डेवलपमेंट करने के लिए। हमारी कंट्री के जो PSUs हैं, हमारी कंट्री की जो कंपनीज हैं, वो यहां कर जाकर इन्वेस्टमेंट करेंगी, उनको सपोर्ट किया जाएगा इस पर्टिकुलर रिसोर्सेज के थ्रू, ताकि वो वहां पर गोल्ड वगैरह इसी के साथ में डायमंड या फिर कोई माइनिंग वगैरह गैस वगैरह वो जो भी चीजें हैं वहां पर वो निकालकर लाई जा सके। और इसी के साथ में जो करंट आज की डेट में हमारा जो $11 बिलियन का जो टारगेट है उसको बढ़ाकर आगे वाले टाइम में 2025 तक यहां पर 30 बिलियन का करने की बात की जा रही है। तो ये भी एक काफी अच्छा मुद्दा आप लोग बोल सकते हैं। तो अपोजिशन यहां पर बोले कि ऐसी कंट्री को देने का क्या मतलब है, अफ्रीका जैसी कंट्री को समझ में आता है तो यहां पर लाइन ऑफ क्रेडिट क्यों दिया गया है। तो देखिए अपोजिशन अपना काम कर रही है, सही है जो भी बोल रही है, गवर्नमेंट ने अपना काम किया। अब आप लोगों का क्या काम बन जाता है यहां पर, आप लोगों को बैलेंस बैठाना होता है यहां पर, यानी कि लाइन ऑफ क्रेडिट यहां पर दे रखा है, हाँ ये सही बात है, डेवलपमेंट हो रहा है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट को आप लोगों को क्रिटिकली एनालाइज करना होता है यहां पर, ऐसा नहीं है कि आप लोग हमेशा गवर्नमेंट के अपोज में रहेंगे, सपोर्ट में रहेंगे। यहां पर ऐसा दिखना चाहिए कि हाँ आप लोग एग्जैक्ट क्या सही है, तो वो आप लोगों के सामने आकर आना चाहिए कि सही बात है, हाँ क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पर लेकिन ये जरूरी भी है, ठीक है, अगर आप लोगों को टैकल करने चीजों को चलना है इंटरनेशनल सिनेरियो को। तो इस तरीके से आप लोग अपना कंक्लूजन में आंसर दे सकते हैं कि हाँ सही है कि वो डेवलप्ड रीजन है, सही है ये सारी बातें जो आप लोग बोल रहे हैं, पर लेकिन एज ए मल्टीपोलर वर्ल्ड का जो हमारा सपना है, एज ए एक ऐसे एक तरीके से चाइना को कंटेन करने का जो हमारा एक तरीके से सपना है कि हाँ चाइना यहां पर दबदबा न बनाकर रखे, तो उनके चलते यहां पर ये चीज सही भी है। तो ऐसे आप लोग इसको देखकर चल सकते हैं, ठीक है। तो ये था आर्टिकल, आगे चलते हैं, क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, काफी अच्छे से आप लोग आंसर दे रहे हैं, कोशिश ये किया कीजिए डेली आंसर लिखिए। होता क्या है देखिए, चीज को स्टार्ट तो कर देते हैं पर लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं रखते, सबसे बड़ी बर्बादी यहीं पर होती है। एक बार स्टार्ट कर दिया तो स्टार्ट कर दिया, फिर वो खत्म होकर ही काम लेगा जिस दिन आप लोग का एग्जाम होगा, तो लिखने की कोशिश जरूर कीजिए। नेक्स्ट जो यहां पर ये आर्टिकल है ये हांगकांग के बारे में, यहां पर बात की जा रही है जो हांगकांग के ऊपर जो प्रॉब्लम चल रही है, पहले उसको आप लोग समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, कुछ बातें हैं आप लोगों के सामने। पहले तो हांगकांग की आप लोग लोकेशन देखे तब आप लोग समझ पाएंगे। ये होगी हमारी कंट्री, अपनी कंट्री कंपेयर में देखा कीजिए, कोई भी मैप आप लोगों को देखना है अगर मैप याद रखना है तो, ये हो गया हांगकांग चाइना का रीजन, चाइना का बेसिकली रीजन नहीं है, चाइना का ऑटोनोमस रीजन है। मतलब क्या है, मतलब यहां पर यह चाइना में आज की डेट में वन कंट्री टू सिस्टम फॉलो किया जाता है, ताइवान हो गया, हांगकांग हो गया, तो ये कुछ ऐसे एरिया है यहां पर चाइना के आज की डेट जो कि यहां पर अपना खुद का सिस्टम रखते हैं पर लेकिन चाइना के साथ में भी हैं। तो हांगकांग जो है यहां पर ये आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी रिवर पर है, क्या कंडीशन है, कब यहां पर ये ब्रिटेन के द्वारा ट्रांसफर किया गया, तो तमाम क्वेश्चन आप लोगों से प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं एज ए स्टेटमेंट के तौर पर भी। तो जो सबसे पहले बात करते हैं कि यहां पर जो हांगकांग सिचुएटेड है वो मैंने आप लोगों को लोकेशन अभी दिखाई यहां पर, तो याद रखिएगा रिवर कौन सी यहां पर, यह है पर्ल रिवर, ठीक है। तो पर्ल रिवर की स्टोरी है जहां पर ये सदर्न चाइना के अंदर जहां पर ये हांगकांग देखने को मिलता है। हांगकांग जो है वो यहां पर चाइना के साथ मिला हुआ है पर लेकिन वन कंट्री टू सिस्टम के थ्रू मिला हुआ है, यानी कि कंट्री तो चाइना है पर लेकिन सिस्टम टू है। सिस्टम टू का मतलब क्या है, हांगकांग में डेमोक्रेसी है प्रॉपर वे में, यहां पर अगर चाइना के कंपेयर में आप लोग देखते हैं तो एक लैंड होते हुए यहां पर दो सिस्टम आप लोगों को नजर आते हैं। ब्रिटेन का यहां पर इसके ऊपर कंट्रोल था, फिर ट्रांसफर किया गया 1997 में। तो 1997 में जब ट्रांसफर किया गया तो ये बोला गया कि ये जो रीजन है बेसिकली ये इस तरीके से रहना है कि ऑटोनोमस रीजन रहना है। यहां पर अगर इसकी गवर्नेंस की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, तो इनके पास में इंडिपेंडेंसी है, ये चाइना के हिसाब से नहीं चलते हैं, इसीलिए एक इकोनॉमिक हब भी है आज के डेट में हांगकांग। अगर आप लोग देखें यानी कि अगर हांगकांग भी यहां पर बर्बाद हो रहा है तो इसका मतलब ये भी ग्लोबल रिसेशन में अपना रोल प्ले करने वाला है, बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि एक इकोनॉमिक हब माना जाता है हांगकांग। हांगकांग में कॉन्ट्रोवर्शियल जो चीज थी वो कहां से स्टार्ट हुई, ये एक्सट्रेडिशन बिल, ये क्या है, ये है कि
अगर हांगकांग के अंदर जो लोग रहते हैं उनमें से अगर कोई लोग मेनलैंड चाइना के खिलाफ अगर कुछ बात बोलता है, कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि मेनलैंड चाइना के खिलाफ है, तो उनको सजा हांगकांग के अंदर नहीं मिलेगी, उनको हांगकांग से निकालकर चाइना ले जाया जाएगा और चाइना में उनको सजा दी जाएगी। और आप लोगों को पता है फिर वहां पर क्या होने वाला है। तो इस तरीके से यहां पर जो लोग हैं वो यहां पर भड़क गए, बोल रहे हैं कि हम लोग अपनी कंट्री में कुछ भी करें, अपने एरिया में कुछ भी करें, अगर कुछ गलत काम कर रहे हैं, कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं हम लोग यहां पर, वो तो हमको सजा यहीं पर ही मिलनी चाहिए, हम चाइना में जाकर सजा क्यों लेंगे। तो इसको चलते यहां पर एक तरीके से लगने लगा इनको कि ये हमको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हमको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो एक ऑटोक्रेटिक कंट्री है, तो हमारे ऊपर ये कैसे हमको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी के चलते हुआ कि यहां पर बीजिंग में काफी यहां पर हांगकांग में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, तो बीजिंग के द्वारा इनके चाइना के द्वारा अपनी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उसको मोबिलाइज किया गया यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया को कंट्रोल करने के लिए। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया को कंट्रोल करने की जब बात आई यहां पर, उसकी वजह से यहां पर काफी लार्ज स्केल पर पॉलिटिकल इकोनॉमिक फोल्ड डाउन तो यहां पर हो ही चुका है। अब बात यहां पर जो बेसिकली ये दिख रही है, जो यहां पर चीफ एग्जीक्यूटिव है पर्टिकुलर एरिया में जहां पर काफी लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट चल रहा है, उन्होंने प्रो डेमोक्रेटिक जो प्रो डेमोक्रेटिक जो कंपेन है यानी कि और ज्यादा उसको यहां पर उसको एक तरीके से बोला कि और लार्ज स्केल पर कंपेन करो जब यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस आ गई, तो इसको वोटर रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वोटर रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो एक तरीके से जो ये वोटर रिवॉल्यूशन है एक तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल आ गया, यानी कि पानी इतना आ गया कि बहकर बाहर निकल गया। अब यहां पर प्रोटेस्ट गली की हर सड़क की हर नुक्कड़ के चौराहे पर आप लोगों को नजर आया। तो ये किसकी वजह से हुआ, जब इन्होंने यहां पर अपनी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उसको लाया, तो उसकी वजह से यहां पर प्रोटेस्ट और ज्यादा बढ़ गया, यानी कि दबे नहीं और ज्यादा लोग सड़कों पर उतर कर आ गए। तो इसके चलते कंडीशन एक अलग ही तरीके की आप लोगों को यहां पर देखने को मिली। तो इसी के बारे में बेसिकली यहां पर बात की जा रही है। तो प्रोटेस्ट जो यहां पर बोला जा रहा है कि जो वन कंट्री टू सिस्टम है उसको इफेक्टिव क्वेश्चन यहां पर यह कि वन कंट्री टू सिस्टम आप लोग क्या हम लोग को कंट्रोल करना चाहते हैं, क्या आप लोग हम लोग को सप्रेस करना चाहते हैं, तो ये बात यहां पर बेसिकली निकल कर आई। तो इसके बारे में आप लोग ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों से बन सकता है कि ये क्या-क्या बातें हैं। इसी के साथ में अगर आप लोग आगे चलते हैं तो शी जिनपिंग कहीं ना कहीं इसको अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, क्योंकि 2027 में एक्सपायर होने वाला है हांगकांग के साथ में जो स्पेशल स्टेटस या पॉलिसी यहां पर इंप्लीमेंट की गई थी 2047 में, ठीक है। तो ये जो 2047 में यानी कि 2047 में जो यहां पर ये होने वाला है, तो ये चाह रहे हैं एक तरीके से गवर्नमेंट यहां पर इसको अपने कंट्रोल में कर ले, स्पेशल रीजन को अपने अंदर में लेकर आ जाए, तो ऐसा कुछ करने की कोशिश की जा रही है। ताइवान भी यहां पर एक ऑटोनोमस रीजन है, तो ताइवान को भी एक तरीके से चाह रहा है कि वो आजादी के साथ में अपनी शादी कर ले, यानी कि चाइना से आजाद हो जाए, ताइवान भी यहां पर बेसिकली ये चाह रहा है। तो इस तरीके से ताइवान भी एक ऑटोनोमस रीजन कहीं ना कहीं है, तो वो भी ये चाह रहा है कि यहां पर चाइना से बाहर निकल जाए, वो भी अपने आप में एक सक्षम कंट्री बनने की कोशिश करता है, पर लेकिन चाइना अलाउ नहीं करता है क्योंकि चाइना एक आज के पावरफुल कंट्री हो चुका है। तो इस तरीके से अगर बात करें अनस्टेबल इकोनॉमी और बिजनेस इन्वायरमेंट अगर हांगकांग के अंदर ही होता है तो स्लोएस्ट यहां पर हो जाएगा, ये स्लोएस्ट काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिल रहा है पिछले कुछ सालों में, और ये भी एक फाइनेंशियल क्राइसिस की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, एक नया कंडीशन यहां पर क्रिएट हो रही है। जो फिच एक रेटिंग एजेंसी है इसके द्वारा हांगकांग की जो रैंकिंग है AA प्लस से घटाकर AA कर दी गई है। इसी के साथ में एशिया का लीडिंग फाइनेंशियल हब इसको माना जाता था जहां पे अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। तो इसके चलते चाइना और यूएसए की अगर बात करें, एक तो वो हो गया हांगकांग वाला मुद्दा, और चाइना और यूएसए की जो वॉर चल रही है ये और रही सही यहां पर एक तरीके से कंगाली में आटा गीला कर दे रही है, यानी कि ये और ट्रेड वॉर यहां पर जो चल रही है इसकी वजह से आने वाले टाइम में एक नया लेवल का रिसेशन बोलने की बात की जा रही है। तो इस तरीके से समझते हैं कि यहां पर जो चैलेंजेज है उसको एक कैसे लेकर चलते हैं, अगर सही तरीके से अगर इनको चैलेंज को टैगल करने के चलना है तो उसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है जो भी यहां पर असंतोष है यहां पर इसके अंदर, तो एक तरीके से इनके अंदर जो पॉलिसी को लेकर बातें की जा रही है वो इनकी ही कंट्री में अलाउ किया जाना चाहिए, यानी कि इस पॉलिसी को साइड में रख देना चाहिए और जनता के बारे में सोचना चाहिए चाइना को, अगर शांति बनाकर यहां पर रखना चाहता है तो, ठीक है। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बने तो आप लोगों को पता होना चाहिए। आइए अब आगे चलता हूं, इसी के मिलता हुआ एक और आर्टिकल है यहां पर, ये यूएसए और चाइना के बारे में जो कि इकोनॉमी के बारे में बात की जा रही है। आप लोगों को पता है ऑल ओवर वर्ल्ड में स्लो डाउन की बात की जा रही है, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और चाइना के बीच में जो टैरिफ ड्यूटी चल रही है, एक तरीके से टैरिफ का जो खेल खेल रहे हैं यहां पर, उसकी वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड को झेलना पड़ रहा है। तो कंडीशन क्या है यहां पर आप लोग समझ लीजिए, यहां पर आप लोग ये ग्राफ आप लोग देख सकते हैं, पहले यहां पर ये देखिए नीचे वाला रेड वाला चाइना हो गया और ये ब्लू वाला यूएसए हो गया। जब तक यहां पर सही था कि यहां यूएसए आगे चल रहा है तब तक सही था, पर लेकिन जैसे जैसे यहां पर डेफिसिट जो है ये आज के डेट में बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट अगर हिस्ट्री देखें आप लोग चाइना की, अब चाइना काफी लार्ज स्केल पर यहां पर आगे है आज के डेट में, यानी कि बहुत लार्ज स्केल पर अगर देखेंगे आज के डेट में चाइना को फायदा हो रहा है एज कम्पेयर टू यूएसए के। तो इसके चलते आज की डेट में जो यूएसए है वो ये चाह रहा है कि चाइना को टैकल किया जा सके, क्योंकि चाइना एक आज के डेट में पावर हाउस बन चुका है एक्सपोर्ट की कम्युनिटी के लिए। तो इसी के चलते यहां पर एक नया फंडा स्टार्ट होता है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में यूएस और चाइना के बीच में, वो क्या है, वो है टैरिफ वॉर स्टार्ट होती है। अगर 20 अगस्त की बात की जाए यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा नोटिफाई किया गया 15% टैरिफ जो इंपोर्ट किया जा रहा है सामान उसके ऊपर 300 बिलियन लगभग वैल्यूड यहां पर इसका
काउंट किया जा रहा है। इसी के चलते जो चाइना है, चाइना भी अपना काम कर रहा है, यानी कि दोनों टैरिफ यहां पर लगा रहे हैं। तो टैरिफ खेल रहे हैं। तो टैरिफ आप लोगों को याद रखना है कौन किसके ऊपर कितना लगा रहा है। पर हां, लेकिन जो असली बात यहां पर है वो समझ सकते हैं, फार्मास्यूटिकल जो इंपोर्ट है, जो यहां पर जो मेजर एक्सपेक्टेशन थी उसके ऊपर लगाया गया कई बार। इसी के साथ में देखिए क्या कर रहे हैं, बेसिक फंड आप लोग यहां पर ये समझ सकते हैं। मोटे मोटे शब्दों में चाइना का जो इंपोर्टेंट एरिया है, फार्मास्यूटिकल एरिया चाइना काफी इंपोर्टेंट माना जाता है, तो यूएसए उसके ऊपर अपने एक तरीके से टैरिफ लगा रहा है, ताकि उसके वो इंडस्ट्री बर्बाद हो जाए। अब यूएसए का जो इंपोर्टेंट एरिया है एग्रीकल्चर या फिर फॉरेस्ट्री के बारे में बात करें, जो सेंसिटिव एरिया है यूएसए का, जो काफी प्रोडक्टिव एरिया भी माना जाता है, गैस वगैरह फील्ड अगर आप लोग लगा के चले तो यहां पर क्रूड ऑयल वगैरह वाला एरिया आप लोग लगाकर चले तो यूएस चाइना उसको टारगेट कर रहा है, यानी कि एक दूसरे के वीक पॉइंट को टारगेट यहां पर कर रहे हैं। और सितंबर 2 में यहां पर जो चाइना के द्वारा ये इशू है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सामने भी उठाया गया, हालांकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ज्यादा कोई सुनता नहीं आज के में जैसी कंडीशन यहां पर बनी हुई है। तो इसके चलते जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है वो चाइना को जो टारगेट कर रहा है बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट है, यानी कि रिसर्च और डेवलपमेंट हम करते हैं और हमसे प्रेशर डालकर हमारी कंट्री के ऊपर ये क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कराते हैं हमारी कंट्री से। तो चाइना के अंदर जबरदस्ती फोर्सफुली यहां पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाता है, जिसके बेस पर हमारी कंट्री की जो कंपनीज है उनको काफी नुकसान होता है। दूसरी बात, चाइना जो है उसको करेंसी मैनिपुलेटर का दर्जा दिया गया, यानी कि अपनी करेंसी को डिवेल्युएट करके रखता है, इसकी वजह से चाइना का एक्सपोर्ट ज्यादा होता है और चाइना इसको फायदा उठाकर अपनी इकोनॉमी को फायदे में यूज में कर इसको हमेशा एंजॉय करने की कोशिश करता है। दूसरी बात यह बोलेगी यहां पर काफी लार्ज स्केल पर। तीसरी बात जो बोली जा रही है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो है बेसिक फंडा वो क्या है, वो यहां पर अमेरिका को ग्रेट बनाना, यानी कि इससे पहले अमेरिका ग्रेट नहीं था, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में अमेरिका ग्रेट होगा और अमेरिका फर्स्ट यहां पर जो इनके द्वारा बोला गया, उसने सारी ही कंडीशन यहां पर अलग करके रख दी, यानी कि इसने अपने दोस्त को इवन नेटो के जो अलाई मेंबर थे उन तक नहीं छोड़ा, ये सिचुएशन यहां पर क्रिएट हो गई, उनको भी पकड़ पकड़ के मारा, उनके ऊपर भी पेनल्टी लगाई, उनके ऊपर भी टैरिफ लगाए, तो ये कंडीशन यहां पर हो गई। हालांकि अगर ढंग से देखेंगे, आप लोगों को पता है कि अगर आप लोग सामने वाले के ऊपर कुछ कीचड़ फेंकते हैं तो कुछ छींटे आप लोगों के ऊपर भी पड़ेगी, ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है इसकी वजह से, चाइना आज के दिन भी ठीक ठाक कंडीशन में आगे बढ़ रहा है अगर देखा जाए तो। पर लेकिन यूएसए की इकोनॉमी को भी नुकसान होगा ना, वो कैसे, मान लीजिए आज के दिन में कोई चाइना की यूएसए की कंपनी है, ठीक है, अब यूएसए की कंपनी चाइना में काम कर रही है, तो मान लीजिए चाइना में काम कर रही है तो प्रॉफिट तो उसका यूएसए को जा रहा है, हालांकि जो थोड़ा बहुत फायदा चाइना को हो रहा है वो एक अलग बात है, पर लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट तो यूएसए को जाएगा। तो इसी के चलते अगर वो कंपनी बर्बाद हो रही है यहां पर, तो इसका मतलब यूएसए को भी यहां पर दिक्कत झेलनी पड़ रही है। अब यूएसए के जो प्रोडक्ट है उन पर चाइना टैरिफ लगा रहा है, चाइना भी एक ह्यूज मार्केट है, अब वहां से कोई उनको प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा तो इंडायरेक्ट वे में यूएसए को भी ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, तो ये एक तरीके से ये दोनों को नुकसान यहां पर होने वाला है। और यहां पर इसीलिए प्रेडिक्ट किया जा रहा है, एक तो हांगकांग वाली बात होगी, ऊपर से जो आप लोग देखते हैं यहां पर ये अभी हम लोगों ने बात की चाइना की जो ट्रेड वॉर वाला फंडा चल रहा है, तो इसके चलते माना जा रहा है कि 2020 में आने वाले टाइम में प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि एक काफी लार्ज स्केल का इकोनॉमिक स्लोडाउन आने वाला है। तो जिस तरीके से रिसेशन आप लोगों को पहले देखने को मिला था 2008 में, अब फिर से यहां पर एक ऐसी लेवल का यहां पर रिसेशन आने वाला है, ठीक है ना। तो बिस्वजीत धार के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया, जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर है, ठीक है, तो इनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बात की जा रही है प्राइमरी केयर के बारे में। जो प्राइमरी केयर कौन सा होता है, ग्राउंड लेवल पर जो केयर होती है, ग्राउंड लेवल की क्या केयर होती है, बेसिकली मान लीजिए आप लोग लोकल एरिया में रहते हैं और अगर लोकल एरिया में वहां पर ढंग से आप लोगों की हेल्थ की फैसिलिटी अच्छी है तो क्या फायदा होगा, फायदा यहां पर यह होगा कि वहीं पर ही आप लोगों का इलाज हो जाएगा, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों लोकल एरिया में इलाज करवाएंगे तो बाहर जाकर आप लोगों को अपना किराया खर्च करने की जरूरत नहीं है, कहीं रहने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, अपने ही पड़ोस में आप लोगों का सारा सिस्टम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह, प्राइमरी हेल्थ केयर का मतलब होता है प्रिवेंशन, यानी कि बीमार होने से पहले आप लोगों का सॉल्यूशन निकाल देना, तो क्योर के बारे में पहुंचने तक से पहले ही आप लोग इलाज अपना करा बैठेंगे, आप लोग सही हेल्थी फील करेंगे। तो इसी के चलते यहां पर जापान का उदाहरण लिया गया, जापान के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप लोग बात करते हैं हेल्थ केयर सर्विस, जापान के अंदर वो बेसिकली जो स्पेशलिस्ट हैं वो बाद में आते हैं, पहले प्राइमरी हेल्थ केयर को फोकस यहां पर दिया जाता है। तो यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले करता है डिसीजन मेकिंग में, बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं। हमारी कंट्री में पंचायती राज सिस्टम आया, तो उससे पहले पंचायती राज सिस्टम से पहले जब 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1992 में, तो तब पंचायती राज सिस्टम आया। तो उससे पहले आप लोगों से क्वेश्चन कई बार बन सकता है पंचायती राज सिस्टम के बारे में, बोलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन देके कि ये हमारे संविधान में स्टार्टिंग से हमारे संविधान का पार्ट है, नहीं ये हमारे संविधान का पार्ट नहीं है, हमारे संविधान का पार्ट इसको बाद में बना गया अमेंडमेंट करके, संशोधन करके संविधान में 1973 में और 1992 में 73 और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके इसको हमारी कंट्री में संविधान का पार्ट बनाया गया। तो आज की डेट में ग्राउंड लेवल पर भी यहां पर डेमोक्रेसी की बात की जाती है, इलेक्शन होते हैं प्रॉपर वे में जो पंचायत में, और वहां पर उनको भी पावर देने की बात की जाती है, फाइनेंस कमीशन के द्वारा भी बार बार पंचायत को डेवलप करने के उनको पावर देने की बात की जाती है। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए एक तो सेंट्रल लेवल पर हेल्थ केयर सिस्टम हो गया, एक स्टेट के लेवल पर, एक डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, एक और आप लोग नीचे आ जाए, तो
सारे हेल्थ केयर सिस्टम में एक चैन सी बन जाती है। तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि सबसे पहले जो लोग आने चाहिए वो प्राइमरी हेल्थ केयर में आने चाहिए, अगर यहां पर इलाज नहीं हो रहा तो ऊपर जाएं और फिर ऊपर जाएं, ऐसे प्रोसीजर यहां पर चलना चाहिए। यानी कि इनको भी यहां पर इज्जत देनी चाहिए। होता क्या, बना तो देते हैं पर इनको कोई इज्जत देता नहीं है, कि इनका कोई काम बेसिकली है नहीं है। अगर प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर स्ट्रेंथन होता है तो काफी कुछ होगा। सबसे पहले तो अफोर्डेबल यहां पर हेल्थ की सर्विस और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यहां पर लो लेवल पर देखने को आप लोगों को मिल जाएगी। अफोर्डेबल हेल्थ सर्विस, आज के दिन में लोगों के पास पैसा नहीं होता है, जिसकी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोग ही जान चली जाती है और घरों में ये सोचते हैं कि इग्नोर करते रहते हैं स्टार्टिंग में बीमारी को, चलो यार कोई नहीं आज रहने देते हैं कल दिखा लेंगे, हो सकता है आसमी इसमें रहते हैं कि सही हो जाएगा अपना भी, तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ज्यादा देखने को मिलेगा तो वो कंडीशन निकल के आएगी। इसी के साथ में इंसेंटिव और ट्रेनिंग वगैरह जो यहां पर दिया जाएगा ग्राउंड लेवल पर, लोगों को जॉब भी मिलेगी और इसी तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग लेवल भी डेवलप वहां पर हो पाएगा। प्रिवेंटिव केयर आप लोग कर पाएंगे, यानी कि बीमार होने से पहले यहां पर लोगों का इलाज होता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ में यहां पर पब्लिक जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो आप लोगों यहां पर बढ़ता हुआ नजर आएगा, और जो प्राइवेट हेल्थ एक्सपेंडिचर है यानी कि जो लोगों की जेब से पैसा खर्च हो रहा है वो थोड़ा कम होगा, लोग उसको दूसरी जगह यूज कर पाएंगे। हो सकता है अपने घर में कोई अच्छा सा अपने घर को डेवलप करने में, टूटा फूटा घर पड़ा हो, बच्चों की पढ़ाई करने में लगा सकते हैं, कुछ व्हीकल खरीदने में लगा सकते हैं, घर में कुछ और सामान ला सकते हैं, वरना वो सारा हेल्थ में ही चला जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर अगर आप लोग डेवलप करते हैं तो इसकी वजह से भी यहां पर काफी फायदा होगा ग्राउंड लेवल पर। और इसी के साथ में जो वाटर जो यहां पर न्यूट्रिशन वाटर सैनिटेशन इनके बारे में भी अच्छे लेवल पर अवेयरनेस फैलाई जाती है, और ये भी कहीं ना कहीं प्रिवेंशन के अंडर में आते हैं कि प्रिवेंट आप लोग चीजों को कर पाएंगे तो क्योर तक पहुंचने की जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी। इसी के चलते जो बोला जा रहा है, देखिए बेसिकली आज के में जो डॉक्टर हैं हमारी कंट्री में, डॉक्टर की पता है क्या कंडीशन है, जो सबसे बड़ी बात की जा रही है वो ये है, आज के में जो डॉक्टर का जो ग्रुप है वो काफी स्ट्रांग है, तो उनके बीच में कड़ी बन चुकी है। कड़ी क्या है, प्राइवेट डॉक्टर जैसे गवर्नमेंट डॉक्टर है तो वो क्या करता है, उसका हमेशा आप लोग एक प्राइवेट हॉस्पिटल आप लोगों को नजर आएगा। तो बेसिकली यही है कि अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं और आगे चल के एक और संभावना रहती है, वो ये सोचते हैं कि अपना खुद का हॉस्पिटल खोल लें। इसी के चलते जो गवर्नमेंट डॉक्टर हैं वो ढंग से काम नहीं कर पाते हैं, कई बार मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप लोगों को देखने को मिला कंडीशन ये लार्ज स्केल पर कई बार देखने को मिल जाती है, पर लेकिन बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, वो ढंग से अपना दिल लगाकर काम करते हैं, तो हर तरीके के लोग हैं, पर लेकिन ज्यादा सिस्टम कौन सा है उसके बारे में बात की जा रही है। तो इसी को चलने की बात की जा रही है, सबसे पहले तो जापान के अंदर बात करेंगे, तो यहां पर फोरबिड कर रखा है, रोक रखा है, निषेध कर रखा है कि आप लोग अपना प्राइवेट क्लिनिक वगैरह नहीं लेकर चलेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में जो नेक्सस है आज के में जो दो ग्रुप में हमारी कंट्री में जो देखने को मिलता है वो काफी बड़ा है, हमारी कंट्री में ये अलग ही कंडीशन निकल कर आती है। तो जो प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में बात करें तो ये कहीं ना कहीं फेवर है एक तरीके से अगर जापान के अंदर, तो वो फोकस देकर चलते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर। जापान के अंदर अगर आप लोग बात करेंगे 1927 में, जो कि काफी पुरानी बात आप लोग बोल सकते हैं, 100 साल करीब होने वाले हैं और 7-8 साल के बाद में, ये यहां पर जापानीज मेडिकल एसोसिएशन जो कि डोमिनेट करती है प्राइमरी केयर पर फोकस देकर चलती है, तो प्राइमरी केयर जो प्रैक्टिशनर है उसके ऊपर फोकस देकर चलती है। और इसी के चलते मेन जो यहां पर जो प्लेयर रहते हैं, अगर फीस भी यहां पर शेड्यूल करनी है तो वो इन्हीं से पूछा जाएगा अगर कोई भी यहां पर पैसा बढ़ाना है घटाना है। पर इंडिया देखेंगे ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया जाता है यहां पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू, इन्वेस्टमेंट पब्लिक काफी लार्ज स्केल पर करता है, पर लेकिन होता क्या है, मान लीजिए गवर्नमेंट ने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए, वहां पर जो भी डॉक्टर आएंगे प्राइमरी केयर के लिए, यहां पर जो भी डॉक्टर आएंगे उनको क्या रहेंगे, प्राइवेट सेक्टर में जाकर लग जाते हैं, अपना खुद का हॉस्पिटल बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई बार पब्लिक प्राइवेट जो सेक्टर है वो साइमल्टेनियसली काम करते हैं। तो इसी तरीके से यहां पर काम क्या रहता है, बेसिकली काम यह रहता है कि ये अपना अलग से सपना यह रहता है कि अपना अलग से बिजनेस इनको सेटअप करना है, ये उस तरीके से सोचते ही नहीं है कि जनता के फायदे में इनको सोचना है। तो ये जो हमारी कंट्री कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की वजह से ये कंडीशन हो रही है, इसकी वजह से सारी प्रॉब्लम यहां पर ये निकल कर आ रही है। तो एक पावरफुल जो ग्रुप बना लेते हैं जो इनका इंटरेस्ट होता है, इनके मान लीजिए गवर्नमेंट में हॉस्पिटल में कई सारे डॉक्टर हैं, अब सबका इंटरेस्ट क्या है कि अपना क्लिनिक चलाना है, तो उनके माइंड में हमेशा यही रहेगा कि अपना क्लिनिक चलाना है, तो इसके चलते वो अपने क्लिनिक पर फोकस देकर चलेंगे। तो इसी तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाता है यहां पर कम्युनिटी के थ्रू ये मिल जाकर कि हाँ हम लोग ये करेंगे और आगे चल के अपने सुपर स्पेशलिटी ल्यूक्रेटिव फ्यूचर और हॉस्पिटल ये लेकर आते हैं जो कि और ज्यादा महंगे यहां पर लोगों को देखने को मिलते हैं। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम न करके जो हमारी कंट्री में हेल्थ केयर सिस्टम है उस पर काफी इनॉर्मस यानी कि विशाल इंपैक्ट आज के में पड़ रहा है इसकी वजह से, क्योंकि ये अपने हिसाब के काम कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट के काम कर रहे हैं, जनता के बारे में फोकस नहीं देकर चल रहे हैं। फोकस ऑन हॉस्पिटलाइजेशन, आयुष्मान अगर भारत स्कीम के बारे में आप लोग बात करें तो इस स्कीम को आप लोग देख लीजिए, हमारी कंट्री में स्टेट स्कीम स्टार्ट की गई कि 10 करोड़ लोगों को फायदा होगा, 10 करोड़ लोगों को नहीं 10 करोड़ परिवार को, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, 10 करोड़ परिवार को, लगभग एक परिवार में 5 लोग अगर हैं, एक अप्रोक्सीमेशन लगा के चलें तो 50 करोड़ लोगों को फायदा होगा। 5 लाख प्रति माह यहां पर मुफ्त इलाज प्राइवेट या फिर सरकारी हॉस्पिटल में प्रोवाइड कराए जाएंगे।
कैशलेस इलाज हो गया, यहां पर गवर्नमेंट ट्रांसफर करेगी अकाउंट में पैसा। तो करते क्या, अगर कोई भी बीमारी होती है तो हॉस्पिटलाइजेशन करने की बात करते हैं, जिसकी वजह से भारी कॉस्ट यहां पर निकल कर आती है, यानी कि एक तरीके से जो सिचुएशन होनी चाहिए वो नहीं इंप्लीमेंट की जा रही है ढंग से, और कई बार कई सारे हॉस्पिटल में जगह भी नहीं होती है और फिर भी यहां पर सोच रहे हैं किसी न किसी तरीके से अपना एक आयुष्मान वार्ड बना ले और वहां से पैसा कमाना स्टार्ट कर दें। तो कई सारी कंडीशन निकल कर आती है, यानी कि सब प्रॉफिट के बेस पर काम कर रहे हैं, कोई भी जनता के बारे में नहीं सोच रहा है। बोहर कमेटी जो कि 1946 में आजादी से पहले हमारी कंट्री में देखने को मिली थी, उस टाइम पर भी यह बोला गया था कि भैया आप लोगों को फोकस देकर चलना है प्राइमरी हेल्थ केयर पर, सोशल फिजिशियन पर फोकस देकर चलना है। और बोहर कमेटी के द्वारा क्या बोला गया था, यह बोला गया था कि आप लोगों का जो बेसिक काम है वो प्रिवेंट पर काम करना है आप लोगों को, यानी कि प्रिवेंशन होना चाहिए, प्रिवेंटिव होना चाहिए, क्योंकि क्यूरेटिव यानी कि ट्रीटमेंट तो बाद में आप लोग कर ही देंगे जब इलाज होना होगा, जब बीमार हो जाएगा इंसान पर, लेकिन अगर आप लोग पहले ही इनको बीमार होने से पहले आप लोग इनको रोक पाए तो सबसे अच्छी बात रहेगी। यहां पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की अगर आप लोग बात करते हैं, ये हमारी कंट्री में हाईएस्ट बॉडी है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछे स्टेटमेंट की फॉर्म में, और ये भी पूछा जा सकता है रिसेंटली, क्योंकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अभी रिसेंटली न्यूज में भी है, तो आप लोगों से ये भी क्वेश्चन इसीलिए पूछा जा सकता है, तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। तो क्या क्या बातें यहां पर की जा रही है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में अगर आप लोगों से पूछा जाए, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस करके हमारी कंट्री में नेशनल मेडिकल कमीशन बनाने की बात की जा रही है, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जो नेशनल मेडिकल कमीशन बनाने की बात की जा रही है, ये यहां पर इसको रिप्लेस करेगा काउंसिल को कमीशन में। तो काउंसिल एक इलेक्टेड बॉडी होती है, कमीशन एक अपॉइंटेड बॉडी होती है, तो एक डिफरेंस है काउंसिल और कमीशन में, अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछे तो, ठीक है। तो एक इलेक्टेड बॉडी को एक अपॉइंटेड बॉडी में, यानी कि गवर्नमेंट के अंगूठे के नीचे अब ये काम कर पाएगा ढंग से, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो हालांकि बोलते हैं कि मोर इफिशिएंट बनाया जा रहा है, वो एक अलग बात है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बहुत पुरानी बॉडी है, 1933 में बनाई गई थी, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है ये आप लोग बताइए। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर में ये बात की जा रही है, अगर आप लोग प्राइमरी जो लेवल पर जो लोग हैं जो काम करने वाले हैं उनको अगर आप लोग लेकर आते हैं तो ही फायदा रहेगा। दूसरी बात बोली जा रही है, ये गेट कीपर बनाने के लिए इनको प्राइमरी वालों को, गेट कीपर मतलब मान लीजिए कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है, उस बिल्डिंग में नीचे लेवल पर है प्राइमरी हेल्थ, दूसरे नंबर पर है वहां पर सेकेंडरी हेल्थ, फिर आगे टर्शियरी हेल्थ, ऐसे ऐसे हॉस्पिटल हैं। तो सबसे पहले जो इलाज करवाएगा वो प्राइमरी में आके इलाज करवाएगा, अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन नहीं है तो। अगर प्राइमरी में वहां पर काम नहीं हो पा रहा है तो फिर उसको आगे लेकर जाओ कि भैया हाँ यहां से नहीं हो पा रहा है, अब आगे लेकर जाते हैं इसको। तो इस तरीके से सबसे पहले जो एंट्री होनी चाहिए वो प्राइमरी पे होनी चाहिए, ताकि उनको भी यहां पर एक तरीके से सिस्टम का पार्ट माना जाए, वरना उनको सिस्टम का पार्ट ही नहीं माना जा रहा है, ठीक है। तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो ये जो आर्टिकल लिखा गया है डॉक्टर सोहम और इसी के साथ में डॉक्टर बहादुरी, तो इनके द्वारा मुंबई बेस्ड यहां पर ये डॉक्टर हैं और इसी के साथ में एडिटर हैं जनरल के द इंडियन प्रैक्टिशनर, तो इनके बारे में भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं। बोहर कमेटी बहुत बार यहां पर न्यूज में आ जाती है जब प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस के बारे में बात करते हैं। आंसर राइटिंग में भी आप लोग इस कमेटी को मेंशन कर सकते हैं, काफी अच्छा लगेगा कि हाँ जानता है बंदा कुछ। और इसी के साथ में प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बोहर कमेटी किस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड है जो कि 1946 में बनाई गई थी। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यह था यहां पर कंप्लीट एडिटोरियल, आइए अब आगे चलते हैं, बात करते हैं यहां पर न्यूज एनालिसिस वाले पोर्शन के बारे में। तो जो न्यूज एनालिसिस वाले पोर्शन में सबसे पहले जो बात निकल कर आ रही है ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। आप लोग जब हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जब आप लोग बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पर सबसे पहले फोकस दिया जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको आप लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से पुकारते थे, हड़प्पा एक सिटी थी उसके नाम पर इसका नाम निकल कर आया, फिर बोला गया कि भैया रिवर है इंडस, उसी के आसपास में पूरी सिविलाइजेशन बसी हुई है, तो आप लोग इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दे दो। फर्स्ट जो साइट है यहां पर 1921 में ये दयाराम सानी जी के द्वारा खोजी गई थी कि हाँ ऐसी कोई सिविलाइजेशन है, वरना उससे पहले अंग्रेज ये बोला करते थे कि हम लोग यहां पर आपको सिविलाइज करने के लिए आए हैं, आप सिविलाइज लोग नहीं है, और अल्लाह गॉड भगवान ने हम लोगों को भेजा आप लोगों को सिविलाइज करने के लिए। तो ये कंडीशन थी। इसको यहां पर ब्रोंज एज के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है, और इसी के साथ में इसको चार्कोलिथिक एज के नाम से भी पुकारा जाता है। ब्रोंज एज सिविलाइजेशन यहां पर आप लोग कई बार देखने को मिलता है। कई सारी रिवर है यहां पर जो कनेक्टेड है, और इसी के पास में आप लोगों को हड़प्पा हो गया, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, ये पर्टिकुलर जो एरिया है, ये कई सारी साइट है, पहले बोला जाता था कि पर्टिकुलर एक है यहां पर, फिर आगे चल के कई देखने को मिली। हिस्ट्री में ये पोर्शन आप लोग जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। हड़प्पा रवि रिवर के ऊपर है, मोहनजोदड़ो इंडस रिवर के ऊपर है, ये सारे आप लोगों के जो रिवर हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। कई बार आप लोगों से क्वेश्चन यहां पर पूछ लिए जाते हैं इनके बारे में कि कौन से रिवर के बारे में, और मैच करने के लिए भी आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, तो इसलिए इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए बेसिकली, वरना आप लोग कंफ्यूजन में आ जाएंगे। वहां पर हड़प्पा किसके द्वारा, मोहनजोदड़ो, जैसे मूवी आप लोगों ने देखी होगी जो अभी रिसेंटली मूवी भी आई थी इसके बारे में, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। तो इस तरीके से अगर बात करें जो सिविलाइजेशन है, इसको फर्स्ट अर्बनाइजेशन भी इसको बोला जाता है हमारी कंट्री में, अगर आप लोग देखेंगे, क्योंकि जो टाउन की प्लानिंग थी वो काफी शानदार तरीके से थी। धोलावीरा की बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा
थ्री पार्ट में बेसिकली डिवाइड हो रखी थी। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं। चेस बोर्ड पैटर्न पर इसको बनाया गया था प्रॉपर वे में, इकोनॉमी एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारी चीजें यहाँ पर चीजें देखने को मिलती थी, यानी कि प्रॉपर एक इकोनॉमिक सिस्टम हमारा यहाँ पर चलता था। तो ये यहाँ पर ये माना जाता था कि पहले ये दूसरे एरिया से यहाँ पर आए, पर लेकिन अभी जो स्टडी की जा रही है उसमें ये बोला जा रहा है कि जो डीएनए जो स्केल्टन यहाँ पर मिले जिनके डीएनए के बेस पर अगर काउंट करते हैं तो ये एशिया के रीजन से ही यहाँ पर है, ऐसा नहीं कि बाहर से आकर यहाँ पर रहने स्टार्ट हुए थे और तब इनके द्वारा सिविलाइज यहाँ पर डेवलप की गई है। ठीक है, तो ऐसा एक हाइपोथेसिस यहाँ पर निकल के रहा है। तो देखते हैं आगे क्या बातें आएंगी इसके बारे में। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर ये बात की जा रही है एक जज के बारे में। हमारी कंट्री में कोलेजियम सिस्टम है जो जज को अपॉइंट करता है। कोलेजियम सिस्टम प्रॉपर वे में पिक्चर में आया तीन जजेस केस के बाद, पहले एक जज का जज, फिर दो जज का, फिर तीन जज का, तीन केस है। पहले केस में यह बोला गया अगर प्रेसिडेंट यहां पर अपॉइंट करते हैं किसी भी जज को यहां पर, तो उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो एडवाइस देंगे, पर लेकिन एडवाइस यहां पर माने या ना माने ये डिपेंड करता है प्रेसिडेंट के ऊपर। फिर आगे चलकर जो सेकंड जज का केस आया उसमें इसको थोड़ा रेक्टिफाई किया गया, बोला गया भैया कि यहां पर जो एडवाइस दिया जाएगा वो प्रेसिडेंट को वो मान्य होगी, यानी कि बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट के ऊपर, क्योंकि प्रेसिडेंट से ज्यादा जानते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पर लेकिन अकेले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे यहां पर, तो फिर वो बोला गया नहीं, तो फिर वहां पर दो जज और इंक्लूड कर दिए गए। फिर आगे चल के बोला गया पूरा कोलिजियम बना देते हैं जिसमें पांच जज रहेंगे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चार सीनियर मोस्ट जज जो बताएंगे कहां पर अपॉइंट करना है जज को और कहां पर ट्रांसफर करना है। तो ये पूरा कोलिजियम सिस्टम है जिससे क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन हमारी कंट्री में लाया गया था, पर लेकिन उसको खारिज कर दिया गया था कोर्ट के द्वारा बोलकर कि ये इंडिपेंडेंसी में हर्ट कर रहा है, तो उसको चलते वहां पर उसको हटा दिया गया। तो ये भी बातें आप लोग याद रखिएगा। अभी जो यहां पर एक जज है वो अभी न्यूज में है, तो इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। मद्रास हाईकोर्ट में ये जज थी जिनका विजय कमलेश नाम है, इनको ट्रांसफर करने की बात की गई यहां से, जो ट्रांसफर किया गया मेघालय हाईकोर्ट में, तो इन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। पहले इन्होंने बोला कि मेरा ट्रांसफर रोक दो, पर लेकिन ट्रांसफर नहीं बोला, मद्रास से सीधा ये मेघालय पहुंचा दिया गया, तो इसके चलते इन्होंने अपने एरिया से जाना पसंद नहीं किया, तो इन्होंने अपना रिजिग्नेशन दे दिया। तो इसकी वजह से ये काफी न्यूज में है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहां पर, ये बात की जा रही है एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के बारे में। राजस्थान में यहां पर पहलू खान का केस निकल कर आया था, ये वीडियो भी काफी वायरल हुई थी जब यहां पर इस इंसान को निकालकर गाड़ी से मार दिया गया था वहां पर सरे आम, और यहां पर इसको जो अभी यहां पर जिसके खिलाफ केस चला था उनको वहां पर कोई सबूत न होने की वजह से बरी कर दिया गया, पर फिर से इन्वेस्टिगेशन की बात की जा रही है क्योंकि कई सारी वीडियो तक वायरल हो गई यार। वीडियो के बेस पे तो आप लोग कम से कम यहां पर इनको बता सकते हैं कि क्या कंडीशन खराब चल रही है, तो वो बोला गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यहां पर, द हिंदू न्यूज़पेपर बेस्ट न्यूज़पेपर है, आप लोगों को पता है पहले से ही। उसी के साथ में द हिंदू के साथ में मिलकर जो बीबीसी है यहां पर, तो यहां पर ये ब्रिटेन की ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है, इसके साथ मिलकर ये फेक न्यूज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि गलत न्यूज न आए। द हिंदू में न्यूज भले ही थोड़ी लेट आ सकती है पर लेकिन कभी भी गलत न्यूज नहीं आती। अगर गलत कोई छप भी जाता है, प्रिंट हो जाता है तो आगे आने वाले टाइम में ये इसको रेक्टिफाई कर लेते हैं। तो ये एक तरीके से काफी रेस्पॉन्सिबल न्यूज़पेपर है। यहां को एक तरीके से आप लोग कोट, यहां पे एक तरीके से आप लोग कोट भी कर सकते हैं कि इस तरीके से चीजें, जैसे कि रफेल वाला मुद्दा था, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी छापने की, पर लेकिन द हिंदू न्यूज़पेपर ने छापा। तो इस तरीके से यहां पर मिलकर काम कर रहे हैं, फेक न्यूज ताकि सोसाइटी में न देखने को मिले, कम से कम जो इनके रीडर हैं उनको कम से कम एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल सके। ये कई दिनों से मैं देख रहा हूं यहां पर ये एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, तो इसके बारे में कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये क्या है, तो एक बच्चे ने कमेंट किया था, तो इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। ये कंपेन है यहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा चला रखा है दिल्ली में। तो एक बच्चे ने बोला सर ये 10 हफ्ते 10 बजे 10 दिन क्या है, तो यहाँ पर देखिए क्या बात की जा रही है। 10 हफ्ते में 10 बजे 10 मिनट के लिए हर रविवार डेंगू पर वार, तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर किसके द्वारा ये कंपेन चलाया जा रहा है। तो ये दिल्ली के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, किस बीमारी के लिए चलाया जा रहा है, ये डेंगू की बीमारी के लिए चलाया जा रहा है क्योंकि काफी लार्ज स्केल पर इसकी वजह से काफी लार्ज स्केल पर इसकी वजह से डेथ होती है लोगों की नजर आती है, तो अवेयरनेस रहेगी तो कम से कम यहां पर लोगों को बचा पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो काफी वायरल भी हो रही है। यह तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के जो चीफ है आज के डेट में के चंद्रशेखर राव, उन्होंने एक मंदिर के थंब पर, यानी कि मंदिर के जो पिलर पर अपनी फोटो निकलवा दी, तो यानी कि भगवान के तरीके से सोच रहे हैं कि मुझको भी कोई पूजने लगे आगे चलकर। इंसान का बड़ा शौक है भगवान बनने का, देखो कब तक भगवान बन पाते हैं, काम ढंग का नहीं करेंगे पर लेकिन भगवान बनने की सब सोचते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर इंसान ही बनकर अगर आप लोग जी तो उसमें क्या गड़बड़ी है। तो कोशिश कीजिए, देखिए ये न्यूज़ थी अभी। नेक्स्ट जो काफी इंटरेस्टिंग न्यूज़ यहां पर ये है, हमारी कंट्री में रामायण महाभारत को यहां पर एक तरीके से चीजों को लोगों को इग्नोर कर रहे हैं, लोग उनको समझ नहीं रहे हैं ना उनको ज्यादा देख रहे हैं, पर लेकिन ब्रिटेन में दो बच्चे हैं यहां पर जो इंडियन मूल के हैं, तो यहां पर ये श्रेयस पॉल और इसके साथ में यहां पर आयुर पॉल, इनके द्वारा यहां पर जो रामायण है उसका ऑडियो तैयार किया गया, और ये जो ऑडियो है यहां पर जो ब्रिटिश एयरवेज है उसने बोला कि यहां पर इसको यूज किया जाएगा 2028 तक एंटरटेनमेंट के लिए जो फ्लाइट है उसमें, यानी कि एक तरीके से एक
इसको यूज किया जाएगा, लोगों को सुनाया जाएगा इसके बारे में, हमारी कल्चर के बारे में लोगों को पता चलेगा इंटरटेनमेंट की फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये पूछा जा सकता है किसके द्वारा बनाया गया और कहां पर बनाया गया और कौन सी एयरवेज इसको यूज कर रही है, तो ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो एंशियंट जो रामायण है उसके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर जो डॉक्टर है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं काफी लार्ज स्केल पर, वो चाह रहे हैं कि कोई ऐसा हमारी कंट्री में कोई ऐसा लॉ बने जो कि यहां पर ये कंडीशन जो चल रही है उसको रोक सके। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, अगर डॉक्टर के हाथों किसी मरीज की डेथ हो जाती है तो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, उसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। आखिर डॉक्टर भी इंसान है, भगवान थोड़ी ना है। एक तो ओवरलोड रहता है इतना ज्यादा गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल में अगर आप लोग जाएंगे। कंडीशन ये है कि आप लोग अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आप लोगों की डॉक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हाँ वो सही है, पर लेकिन अगर डॉक्टर अगर अपने दिल से काम कर रहा है और फिर भी किसी की जान चली जाती है और डॉक्टर के खिलाफ यहां पर कई सारी कंडीशन देखने को मिलती है, तो बोला जा रहा है कि इसको रोका जाए, फाइन लगे यहां पर 5 साल का, और इसी के साथ में वो 5 साल का फाइन के साथ में यहां पर ये भी देखने को मिलेगा कि उसको एक तरीके से 1 लाख का फाइन लगे और 5 साल तक का वहां पर बोला जा रहा है कि कम से कम उसको सजा भी मिले, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर, ये काफी बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं। 2 बच्चे इनके सर जुड़े हुए थे, बेसिकली ये सर जो है एम्स के द्वारा यहां पर अलग कर दिए गए हैं। तो हमारी कंट्री में जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल है उसके द्वारा यहां पर ये अलग कर दिए गए हैं। तो अब तक ये सक्सेसफुल हो पाए, यहां पर कई बार ऐसी अनफॉर्चुनेट कंडीशन बन जाती है। तो ये जो ट्विंस थे ये उड़ीसा के ट्विंस थे, ठीक है ना। तो यहां पर ये आप लोग याद रख सकते हैं इनके बारे में। तो काफी एक अच्छा मोमेंट ऐसा देखने को मिलता है, कम से कम मतलब बच्चे देखिए किस तरीके से सर जुड़े हुए देखे जाते हैं। तो अलग अगर हो जा रहे हैं तो अपनी लाइफ को आप ये एंजॉय कर पाएंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। ये बात की जा रही है एनजीटी की साइड से एक कमेटी बनाने की बात की जा रही है, ज्वाइंट कमेटी रहेगी जो कि यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी को मिलाकर यहां पर बात की जा रही है कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उनको कैसे सेव करना है। ये इंडिया और पाकिस्तान में पाए जाते हैं ओनली 2 कंट्री में और आज के में काफी क्रिटिकल कैटेगरी में ये आ चुके हैं। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो चेयरमैन है आदर्श कुमार गोयल के द्वारा यहां पर ये बोला गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हमारी कंट्री में आर्टिकल 21 के तहत इंप्लीमेंट किया जाता है और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बाद में कंट्री हमारी है इसको इंप्लीमेंट करने वाली। नेचुरल जस्टिस के ऊपर यहां पर ये काम करते हैं बेसिकली, यानी कि एक तरीके से यहां पर ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉपर आप लोग यहां पर एफिडेविट फलाना ढिमकाना वो लेकर आने हैं, बस यहां पर ये होना चाहिए कि आप लोगों को प्रॉपर जस्टिस मिलेगा, एक वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाएगा जो कोर्ट में फॉलो किया जाता है ताकि जल्दी यहां पर न्याय मिल सके, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं यहां पर, ये जो यहां पर बात की जा रही है जिम्बाब्वे के एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में, एक लीडर के बारे में जिनका नाम है मुगवे, ठीक है। तो यहां पर रिसेंटली इनकी डेथ हो गई अभी और यहां पर ये पिक्चर द हिंदू के द्वारा ही शेयर की गई है, ठीक है। तो देखिए कितनी इंटरेस्टिंग पिक्चर शेयर की है द हिंदू के द्वारा भी, मतलब कुछ भी मैंने कहा कोई ऐसी तो शेयर करते बेचारा मर गया है कि हाँ इस तरीके से, यहां पर ये ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग ही माहौल में है। चलिए जो भी है, आगे बात करते हैं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिल्ली गवर्नमेंट को बोला गया है कि जो यहां पर बेसिकली बोला जा रहा है कि मेट्रो ट्रेन के अंदर फ्री यात्रा वुमेन को कराई जाएगी, तो ये सही नहीं है। क्योंकि देखिए जो पब्लिक मनी है यहां पर बेसिकली जो मेट्रो चल रही है इन्वेस्टमेंट जहां से आता है ये हम लोग टैक्स पे करते हैं, तो टैक्स पेयर की मनी को सही तरीके से यूज नहीं किया जा रहा है, ये एक तरीके से पैसे की बर्बादी होगी। आप लोग किराया कम कर दीजिए पर लेकिन फ्री मूवमेंट कराना ये सही बात यहां पर नहीं होगी, तो ऐसी बातें बोली जा रही है। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्या फ्री यात्रा होनी चाहिए, आप लोग की क्या राय है वो आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट एक और आईएएस ऑफिसर जिनका नाम है शशिकांत, इनके द्वारा रिजिग्नेशन दे दिया गया है। 2009 के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे ये, इनके द्वारा बोला गया है अनएथिकल प्रैक्टिस काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाते हैं और आने वाले टाइम में काफी डिफिकल्टी कंट्री को होने वाली है अगर इसी सिनेरियो में चलते रहे, यानी कि काम नहीं करने दिया जा रहा है और ढंग से सपोर्ट भी नहीं मिल पा रही है, ठीक है। तो ये न्यूज है इसके बारे में, आप लोग इसको देखकर डिमोटिवेट मत होना, सबके अपने अपने परसेप्शन होते हैं, अच्छे इंसान भी होते हैं बुरे इंसान भी होते हैं, कुछ सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो वहां पर जाकर लड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि आप लोग जाए वहां पर इसलिए रहे हैं क्योंकि आप लोग वहां पर लड़ सकें, क्योंकि अगर सिस्टम अच्छा होता ही तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, एवरेस्ट पर लोग क्यों चढ़ते हैं, इसीलिए तो चढ़ते हैं एवरेस्ट पर लोग क्योंकि वहां पर चढ़ना कठिन है, अगर वहां पर चढ़ना आसान होता तो अरे गहरे नत्तु खैरे पता नहीं कौन कौन चढ़े पाते वहां पर। तो आईएएस बनने के बाद में जो प्रॉब्लम होती है वही तो लाइफ में थ्रिल देती है, तो उसी के लिए तो लोग करते हैं, उसी के बारे में तो उसकी वैसे तो रिकॉग्निशन मिलता है यहां पर, अगर सब कुछ मलाई की तरह चलता रहता तो फिर आईएएस की जरूरत ही क्या थी वहां पर। तो इसीलिए चैलेंजेस हैं पर लेकिन बहुत सारे लोग क्विट कर देते हैं, पर लेकिन मैं इनके ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूं कि इन्होंने क्यों क्विट किया, वो इनका पर्सनल रीजन है जो भी है, पर आप लोग इसको लेकर कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना अगर आप लोगों का कोई गोल है ऐसा, तो ठीक है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है काफी इंटरेस्टिंग है, व्हाट्सएप यूज करने का खामियाजा भुगतना पड़ गया यहां पर एक चोर को। चोर ने क्या किया, एक इंडियन एयरफोर्स जो विंग कमांडर है उसकी वाइफ के घर में चोरी की, चोरी करने के बाद में जो उसकी साड़ी सामान सब लूट के वहां से ले गए, तो फिर कुछ दिनों बाद इन्होंने एक व्हाट्सएप डीपी देखी, उसमें इनकी वाइफ की जो साड़ी थी वो जो लेडी थी जो भी वहां पर जो चोरी करके गए होते वो साड़ी पहने गई थी, साड़ी पहने हुए खड़ी हुई थी, तो वहां से इनके द्वारा पहचान लिया गया और वहां पर कहीं ना कहीं अब इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है, यानी कि एक साड़ी चुरा कर ले गए घर में पहन लेते डीपी लगाने की जरूरत थी उसकी, तो उसकी वजह से यहां पर बेचारे फंस गए। चलिए जो भी है, यही कहते हैं कि देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका कहीं ना कहीं फंसी
ही जाओगे अगर गलत काम करोगे। तो हमेशा अपने आपको एक अच्छे जोन में रखिए, किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, चोरी चराकी के बारे में तो कभी सोचना ही नहीं है लाइफ में, क्योंकि वही कहते हैं कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, आपके हिस्से का जो होगा अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो आप लोगों को जरूर मिलेगा। ठीक है, इंडिया साउथ कोरिया के बारे में बात करें तो दोनों मिलिट्री रिलेशन में आगे कोऑपरेट करने की बात करें, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सियोल की विजिट पर है। यूके पार्लियामेंट के द्वारा बोला जा रहा है कि जो यहां पर जॉनसन साहब है उनके द्वारा जो नो ब्रेग्जिट डील का प्लान है, कहीं ना कहीं उसको देखते हैं कैसे लेकर चलते हैं, काफी बुरी कंडीशन बन जा रही है आज के डेट में यूके के अंदर में। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर ये साइप्रस है, साइप्रस को अगर आप लोग इंडिया के कंपेयर में देखना चाहते हैं तो आप लोग यहां पर एक बार इसको कंपेयर कर सकते हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर होगी। तो यहां पर आप लोग समझ सकते हैं ये हमारी कंट्री होगी, यहां से अगर आप लोग आएंगे तो आप लोग को यहां पर इसके नीचे साइप्रस देखने को मिलेगा, तुर्की के नीचे। ठीक है, यहां पर ये पर्टिकुलर एरिया में, तो इसके बारे में हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। तो साइप्रस जो है यहां पर इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। साइप्रस का जो नॉर्दर्न वाला रीजन है वो तुर्की कंट्रोल में है और साइप्रस का जो सदर्न वाला रीजन है वो इंडिपेंडेंट है, ये लाइन आप लोगों को दिख रही होगी। ठीक है, तो इसी के चलते काफी कंट्रोवर्सी में रहता है, ये मिलकर काम करना चाहते हैं पर तुर्की की वजह से इनका काम मिलकर नहीं हो पा रहा है। निकोसिया आज के डेट में कैपिटल है और यूरो यहां पर करेंसी यूज होता है और ये मिडिल ईस्ट में ये कंट्री है और मैप में इसका खुद का मैप, यानी कि अगर बात करें इसके फ्लैग में खुद का मैप यहां पर है जैसे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेडिटेरेनियन सी में कंट्री है और सीरिया लेबनान ये वाला रीजन, ये सारा रीजन काफी न्यूज में रहता है और यहां पर ये तुर्की हो गया। ओके, तो ये आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आप लोगों के सामने आज का क्विज है और फिर कल वाले क्विज का आंसर मैं आप लोगों को देने वाला हूं। बात की जा रही है यहां पर लुक ईस्ट या फिर ये फार ईस्ट पॉलिसी के बारे में, तो कितना लाइन ऑफ क्रेडिट हमारी कंट्री के द्वारा रशिया को देने की बात की गई है ये बताना है। नेक्स्ट यहां पर जो व्लादिवोस्तोक का जो रीजन है इससे यहां पर हमारी कंट्री का कौन सा पोर्शन कनेक्ट करने की बात की जा रही है। हांगकांग में जो यहां पर बेसिकली चाइना को दिया गया ब्रिटेन के द्वारा, कब दिया गया ये आप लोगों को बताना है। कमेटी का नाम बताना है जो कि 1946 में हेल्थ सिस्टम से रिलेटेड हमारी कंट्री में बनाई गई, हेल्थ सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को किसके थ्रू रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है। हिंदू का पार्टनर कौन है फेक न्यूज को रोकने के लिए, किसके द्वारा कमेटी बनाई गई है यहां पर, बेसिकली ये एक जॉइंट कमेटी है जो इंडिया में जो बस्टर्ड है उनको प्रिवेंट, उनको एक तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इस कमेटी किसके द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूट की गई है ये आप लोगों को बताना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे, रघुराम राजन जी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था यहां पर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस लैंडिंग रेट। ठीक है, इसी के साथ में अगर बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भूटान बांग्लादेश नेपाल थाईलैंड को बोला गया कि हेपेटाइटिस बी खत्म कर चुके हैं। मारुति और इसी के साथ में हुंडई 2/3 हमारी कंट्री में जो इंडस्ट्री यहां पर ये ऑटोमोबाइल की इनके अंडर में आप लोगों को देखने को मिलती है। जीएसटी जो है वो बोला गया 28 से हटाकर 18, सॉरी मैंने 12 बोल दिया था वहां पर, ये 28 से हटाकर 18 करने की बात करें इसको, ये 18 से 12 नहीं, ठीक है, 5 स्लैब होती है 28 18 12 5 और 0। ठीक है, तो 0 भी एक स्लैब है। ओके, तो याद रखिए कंफ्यूज नहीं होना है। यूएसए के द्वारा विड्रॉ करने की बात की जा रही थी यहां पर 2015 में जो यहां पर डील साइन की गई थी न्यूक्लियर ईरान न्यूक्लियर डील, तो उसमें कौन कौन मेंबर थे, तो P5+1 इसी के साथ में यूरोपियन यूनियन और ईरान, तो ये थे यहां पर। यहां पर नेक्स्ट यहां पर INSTEX, तो इंस्टेक यहां पर एक सिस्टम तैयार किया गया था यूरोपियन के द्वारा ताकि जो यूएसए के द्वारा जो सैंक्शन लगाया जा रहा है ईरान के ऊपर उसको टैकल किया जा सके और यहां पर ये एक अल्टरनेटिव मार्ग यूज कर रहे थे। नेक्स्ट बात की जा रही है, इंडिया के द्वारा लैंड किया गया 1 बिलियन रशिया को फॉरेस्ट पॉलिसी में, जो कि हम लोगों ने अभी भी डिस्कस किया। चलिए, दो बार हो गया क्वेश्चन, ठीक है, कोई नहीं, चलिए एंजॉय कीजिए। यह था टोटल आज का डिस्कशन, अगर आप लोग लेक्चर पसंद आता तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको जब ये मिलता है तो वो बोलते हैं कि हमको अब तक इसके बारे में क्यों नहीं पता था, और अपनी अच्छी सोसाइटी बनाने का दायित्व तो है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यहां तक लेक्चर को बनाकर आप लोगों तक पहुंचाओ, आगे आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसको शेयर करें। PDF डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप लोगों को लगता है कि फायदा पहुंचाएगा ये। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करें, तब तक के लिए जय हिंद।